खबर श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ से है, जहां पर लॉकडाउन के चलते दुकानदारों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर राहत देने की गुहार लगाई है। इस दौरान दुकानदारों ने बताया कि टैन फोटोग्राफर, हलवाई और लाइट डेकोरेशन की दुकानों को अभी तक कोई भी छूट नहीं दी गई। इसी के चलते सभी दुकानदारों के सामने रोजी रोटी का संकट अब आ खड़ा हुआ है। तो वहीं उपखंड अधिकारी ने उन्हें जल्द ही समस्या के समाधान का आश्वासन भी दिया। अनूपगढ़ में कुछ दुकानदार है जो अपनी समस्या लेकर के एसडीएम साहब के पास आया, आइए इनसे जानते हैं। क्या सर, क्या समस्या आपकी? हमारी समस्या है, जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से विवाह शादियों के शादियों में बैन लगा रखा था, अब राज्य सरकार द्वारा जो 50 आदमियों को परमिशन दी गई है, 50 आदमियों की परमिशन में पालना की जाएगी, लेकिन इसमें थोड़ा स्ट्रेंथ बढ़ाई जाए। और जो भी हैं, जैसे आज 2 महीने से मजदूर वर्ग भी फ्री बैठा है, और इसमें वेटर्स हैं, फोटो स्टूडियो है, स्वीट हाउस है, डीजे साउंड है, और टेंट हाउस है, मैरिज गार्डन है, ये सभी धंधे जो है बंद पड़े हैं। तो गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि हम जो भी है गवर्नमेंट की गाइडलाइन को पूरा करेंगे, सैनिटाइज करवाएंगे, मास्क लगवाएंगे, जो भी है इसमें हमें रिलीफ दी जाए। जैसा कि दुकानदार ने बताया, ये जो दुकानदार है, जैसे टेंट हाउस है, मिठाई वाले, अन्य तरह के जो, इनको अभी तक जो छूट नहीं मिली है, 2 महीने से लॉकडाउन के चलते जो है इनका जो कारोबार बिल्कुल ठप हो गया। इस जो कारोबार से अनेक जो मजदूर लोग भी जुड़े हुए हैं, तो इनकी मांग है कि इन्हें भी जो है छूट दी जाए, और ये जो सरकार की जो गाइडलाइन है, जो नियम है, उनकी जो पूरी पालना की जाएगी, उन पालना के तहत ही जो ये अपना जो है दुकानदारी या बिजनेस चलाएंगे। कैमरामैन रवदीप के साथ मलकीत सिंह, A1 TV अनूपगढ़।